हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ट्रेन नंबर 8401 IRCTC काशी महाकाल हमसफर एक्सप्रेस के बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूं। इसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 16 फरवरी 2020 को किया था। यह एक प्राइवेट ट्रेन है जिसका संचालन IRCTC द्वारा किया जाता है। यह पूरी वातानुकूलित ट्रेन है। यह ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है, किस रूट से होकर जाती, किस किस स्टेशन पर रुकती है, इस ट्रेन में कौन कौन सी सुविधाएं मिल जाएंगी, इस प्रकार की सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। यह ट्रेन उत्तर प्रदेश के काशी यानी वाराणसी और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के बीच वाया लखनऊ होकर चलती है। ट्रेन 7 स्टेशनों पर रुकते हुए कुल 1128 किलोमीटर की दूरी लगभग 19 घंटे में पूरी करती। इस ट्रेन की औसत स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब मैं आपको कैटरिंग यानी खान पान से संबंधित जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन में पैंट्री कार, ऑनबोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की सुविधा आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको महाकाल एक्सप्रेस के कोच कंपोजिशन के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन में 9 थरीटिया वातानुकूलित कोच, 1 पैंट्री कार और 2 जनरेटर यान है। अब मैं आपको लोकोमोटिव की जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का प्रयोग किया जाता है और उज्जैन जंक्शन यह रिवर्स डायरेक्शन में लगाया जाता है। यह ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले वाराणसी जंक्शन स्टेशन पर आकर रुक जाती है। अब मैं आपको काशी महाकाल एक्सप्रेस के रूट की जानकारी देता हूँ। ट्रेन नंबर 8401 IRCTC काशी महाकाल हमसफर एक्सप्रेस वाराणसी जंक्शन से प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को दोपहर 2:45 पर चलती है। इस ट्रेन का पहला हॉल्ट सुल्तानपुर जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन शाम 4:40 पर पहुँचती है और यहाँ केवल 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट लखनऊ चारबाग स्टेशन है और यहाँ ट्रेन शाम 7:05 पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट कानपुर सेंट्रल स्टेशन है और यहाँ ट्रेन रात्रि 8:50 पर पहुँचती है और यहाँ ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट झांसी जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन मध्य रात्रि 1:32 पर पहुँचती है। यहाँ भी ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का पांचवा हॉल्ट मध्य प्रदेश का बीना जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 3:20 पर पहुँचती है। यहाँ भी ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का छठा हॉल्ट संत हिरदाराम नगर स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 5:25 पर पहुँचती है और यहाँ भी ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का सातवां हॉल्ट महाकाल की नगरी उज्जैन जंक्शन है और यहाँ ट्रेन 8:00 पहुँचती है और यहाँ ट्रेन 10 मिनट रुकती है। यहाँ पर ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज होता और यहाँ से ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में चलती है। इस ट्रेन का आखिरी और आठवां हॉल्ट है इंदौर जंक्शन है और यहाँ ट्रेन 9:40 पर पहुँचती है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में किराए से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी, क्योंकि किराया हर स्टेशन से अलग अलग होता है और समय समय पर किराए में बदलाव भी होते रहते हैं। इसलिए किराए की जानकारी के आप रेलवे की ऑफिशियली साइट IRCTC.co.in पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, यदि आपका इस वीडियो और ट्रेन से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो, इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको कौन सी ट्रेन पसंद है या किस ट्रेन की जानकारी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उस ट्रेन का वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।